वेलकम दोस्तों, सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं, एक लेटेस्ट वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आज बात करते हैं, कोई पुलिस द्वारा कोई गिरफ्तार व्यक्तियों को वकील से मिलने का क्या अधिकार है, इस वीडियो में आप जानेंगे। लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, जब तक आप अंत तक नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि कोई किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उस गिरफ्तार व्यक्ति के क्या अधिकार है, किस प्रकार से वो वकील से मिल सकता है, कौन सा सेक्शन है जिसके किसी हिसाब से वो मिल सकता है और मिलना अनिवार्य है। दोस्तों बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी जुर्म में उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति क्राइम करेगा तो पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी। लेकिन गिरफ्तार करने के साथ साथ उसे कानूनी अधिकार भी दिए गए हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी भी, मान लो 307 का हो, 302 का हो, 138 का हो, एनआई एक्ट का हो, अगर ऐसा क्राइम करता है तो उस व्यक्ति को वकील से मिलने के भी अधिकार होते हैं पुलिस की गिरफ्तारी में होने के बावजूद भी, क्योंकि ये कानूनी में जो सेक्शन है 41D CRPC में स्पष्ट लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, उसे जो वो व्यक्ति गिरफ्तार है वो व्यक्ति जिस वकील से मिलना चाहे उसे मिलाना पड़ेगा, ये 41D में CRPC में स्पष्ट लिखा गया है। इसलिए दोस्तों आप घबराने की जरूरत नहीं, अगर किसी केस में आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आप बेझिझक पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस द्वारा आपको गिरफ्तार किया उनको बेझिझक बताइए कि मुझे किसी उस वकील से मिलाना है। अगर वह नहीं मिलाता है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, आप चिल्ला सकते हो, आप कह सकते हो। इसलिए दोस्तों स्पष्ट कहा गया है 41D में CRPC में कि अगर किसी वकील किसी मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद अगर वह चाहे कि मुझे उस वकील से मिलना है तो पुलिस वालों को मिलाना पड़ेगा, यह स्पष्ट लिखा गया है। इसे दोस्तों कोई भी व्यक्ति कोई सा भी क्राइम करने के बाद उसके भी अधिकार होते हैं, ये नहीं है कि वो क्राइम करने के बाद डायरेक्ट उसे जेल में टॉस दिया जाता है, ये नहीं होता। अगर गिरफ्तार वकील को 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करना पड़ता है, अगर उसी टाइम वो कहे कि मैं किसी वकील से मिलना चाहे उस वकील से मिलना चाहता हूं तो पुलिस वाले को उस वकील से मिलाना पड़ेगा, ये स्पष्ट कानून में है। अगर ऐसा नहीं करते पुलिस वाला तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसलिए दोस्तों गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार है कि वो गिरफ्तार होने के बावजूद पुलिस की कस्टडी में अपने वकील से बात कर सकता है और मिल सकता है, ये पुलिस के गिरफ्तार के बावजूद भी वकील से मिलने का मुलजिम को अधिकार है। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो अच्छा लगे, मुझे आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक जरूर करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे।